आने उन लोगों में से थी जो उसकी मुट्ठी में थे उसने आने की मदद चाही उनको एक स्क्रिप्ट याद करवाया कि इस लड़की को आपने ये और ये कहना है अगर वो वहाँ कहे तब ये कहना है अगर ना कहे तब ये आने को उसने ये बताया था कि वो इस लड़की को पसंद करते हैं मगर वो किसी और को पसंद करती हैं आने मान गई वैसे भी जो बातें उन्होंने उसे कहनी थी उनमें कुछ भी झूठ नहीं था अब्दुलरमान ने वाकई उसे उस चैरिटी लंच वाले दिन देखा था डोली उसके आबाई घर का पुराना खादिम था खादिम यानी सर्वेंट सिविल सर्वेंट सर्वेंट वो बेचारा मेजर जिसे उसने बेइज्जत किया था वह गर्नल केनानी का बेटा था और हया की वीडियो हटवाने के लिए उसने जहान की मदद की थी बहरहाल अहम बात यह थी कि वो इनकार करती है या सोचने के लिए वक्त मांगती है उसने सोचा था कि बेवकदा की गलियों में अपने रफ से स्वेटर और बिखरे बालों वाले में फिरते हुए उसे अपना कोई शनासाई नहीं मिलेगा आखिर के रहायशी अपराध में से हर शख्स तो उसको जानने वाला नहीं था मगर वो गलत था वही लड़कियों के साथ अदलार आ गया और जब वो तीनों टहलते हुए मेन बाजार में पहुंचे तो सड़क के एन वस्त्र में मजमा सा लगा था बहारे गुड़ का रेड कार्पेट शो उफ। हया और डीजे बेख्तियार उसकी तस्वीर बनाने लगी और ज़रा वरुख मोड़े नागवारी से सारा तमाशा देखने लगा वो इस तरह खड़ा था कि बहारे की उसकी जानब पुष्ट थी अब वो डीजे और हया को फ़ौर चलने का कहकर ख़ुद को मशकोक नहीं कर सकता था सोन को मसरूफ़ पाकर उसने मोबाइल पर आयशे को मैसेज लिखा तुम्हारी सात दिन की तरबियत का ये असर हुआ है कि तुम्हारी बहन पूरे अदालत के सयाहों से तस्वीर बनवा रही है उसे मालूम था कि आयशे सामने दुकान में ही होगी जहाँ वो अपने पज़ल बॉक्सेस बेचा करती थी पिछले सात दिनों से वो बहारे को जबरदस्ती अपने हमरा हलीमा उस्मान के घर कुरान पढ़ाने ले जाती थी और इस वक्त वो अमूमन उस दुकान पे अपने बॉक्सेस देने आया करती थी ये इतफाक़ नहीं था वो बस गलत जगह पे गलत वक्त पे आ गया था मैं कुछ दोस्तों के साथ तो मुझे पहचानना नहीं एक दूसरा पैगाम एहतियातन भेज उसने मोबाइल बंद कर दिया मगर वो ना भी कहता तब भी आयशे ऐसी लड़की नहीं थी कि भरे मजमा में उसे पुकार ले उसकी पहली बात पे वो हर्ट हुई थी तभी फौरन अपनी बहन को लेने पहुँची और उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे मजमा छुटने लगा और इससे पहले के बहारे गुल से देखती वो दोनों लड़कियों को लिए पलट गया भगीब पे हया के हमरा बेकदा की गलियों से गुजरते हुए आयशे मुसलसल उसे पैगाम भेज रही थी आने ने कहा था कि तुमने सुबह की फ़्लाइट से इंडिया जाना है मगर तुम तो यहीं हो क्या खैरियत है और क्या ये वही लड़की है जिसका ज़िक्र आने कर रही थी वही आशये की तफ्तीश करने की आदत उसको यकी आने ने, ने बताया था कि वो किसी से मोहब्बत करने लगा है वगैरह वगैरह वो हया के साथ बात करते हुए उसे जवाबन यही बता रहा था कि वो बाद में वजाहत कर देगा और अभी वो नमाज़ पढ़ने उनकी मस्जिद ही आएगा और अगर हसब मामूल दोनों बहनें मस्जिद में हों तो उसे मत पहचानने और वह बहारे को इस मामले से दूर रखे हम मस्जिद में हैं मगर अंदर वाले कमरे में तुम आ जाओ हम तुम्हें वैसे ही नहीं पहचानते तो अब क्या कहेंगे आयशे का नाराज़ सा जवाब आया था उसने मज़ीद उसे टेक्स्ट नहीं किया छोड़ो बोलने तो जो बोलती है सोचने दो तो जो सोचती है अपने सफ़ेद महल के सामने से गुजरते हुए उसने बराए बात सरसरी सा इशारा इन घरों की जानब किया था या उसकी बात को हल्का ले रही थी मगर वो ठीक ही कह रहा था कि वो इन जैसा कोई घर अपनी तनख्वाह से नहीं बना सकता वो फिल्मों में होता है कि असाइनमेंट ख़त्म होने के बाद एजेंट को नोटों से भरा ब्रीफ केस मिला करता है असल में सिर्फ पीठ पे थपकी मिलती है और कुछ नहीं इंडिया और पाकिस्तान के स्पाइस से ज़्यादा अंडर पेट शायद ही कोई हो मामूली तनख्वाह और आपके गिरफ्तार होने या मरने की सूरत में फैमिली को माली इमदाद एक बहुत कलील माली इमदाद देने का वादा बस यही मिला करता था बाद में जब एजेंसी से तबादला होकर वापस फ़ौज में चला जाएगा और अगर इस मुस्तकिल सरदर्द ने कोई बड़ा मसला पैदा ना किया तो तरक्की मिलने के बाद शायद वो गरीब आदमी ना रहे लेकिन अभी वो गरीब आदमी ही था मस्जिद से निकलते हुए हया ने पूछा कि उसने दुआ में क्या मांगा तो उसने कहा उसने ज़िंदगी मांगी और वो ठीक ही कह रहा था ज़िंदगी वो हमेशा मांगा करता था मगर अभी उसने यही मांगा था कि थोड़ी देर बाद उसकी बीवी एक अमीर आदमी का आलिशान महल देखने के बाद अपने गरीब शोहर को छोड़ने का ना सोचे अपनों का कोई ऐसे इम्तहान लेता है भला उसे खुद पे अफसोस हुआ मगर यही तो वो देखना चाहता था कि वो उसके अपनों में से है या नहीं अलबत्तः वो उसकी ज़िंदगी वाली बात नहीं समझ सकी वो उसकी पहेलियों की ज़ुबान नहीं समझती थी हया अबरानी जुबान के लफ्ज़ हवा से निकला है जो कि अम्मा हवा इस्लाम का नाम था हवा का मायनी होता है ज़िंदगी सोहया का भी यही मायनी है इसीलिए अरबी में हया का लफ्जी मायनी तरोताज़ की शादा भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़िंदगी की अलामत होती हैं इसी से लफ्ज़ हयात ज़िंदगी और अल्लाह ताला की सिफ्त हमेशा ज़िंदा रहने वाला है इसका अलानी अमूमन शर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि शर्म इंसान की अखलाकी ज़िंदगी और किरदार को तरोताज़ा और ज़िंदा रखती है हया में इंसान के लिए ज़िंदगी होती है मगर वो नहीं समझ सकी वो उसकी ज़ुबान नहीं समझ सकती थी चलो कभी ना कभी वो उसे अपनी ज़ुबान भी समझा देगा उसने आदत के मुताबिक सब कुछ प्लान किया था बंदरगाह पे जिस बच्चे को हया का पर छीनने आना था वो उसकी हदायत के मुताबिक बालों में लगाने वाले मोतियों की मालाएँ लेकर ही आया था जिस वाहिर चीज़ के लिए वो रुकेगी वो उसके बालों की खूबसूरती में इजाफ़ा करने वाली और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए और जितनी जल्दी रदल जाहिर करने वाली वो लड़की थी वो जानता था कि वो अपने पासपोर्ट और आईडी कार्ड के लिए ज़रूर भागेगी हाँ उसे अच्छी तरह पता था कि हया के इस गोल्डन क्लच में उसके कौन कौन से कागज़ हैं हजब तो इस बच्चे के पीछे भाग पड़ी कभी जो ये लड़की रदल जाहिर करने से पहले दो मिनट सोचे मगर पता नहीं क्यों उसे उसकी यही बात अच्छी लगने लगी थी कम से कम वो बाहर से भी वही थी जो अंदर से थी हाँ वो उस पर यकीन करने लगा था जब वो दोनों दोबारा थाम थाने में मिले तो वो रो रही थी पता नहीं वो किस बात पे रो रही थी आने से भी जहान की बात नहीं हुई थी वो नहीं जानता था कि उसने आने को क्या कहा होगा मगर उस रोज़ पहली दफ़ा उसने पूरे इसतक से अपनी बीवी को झड़का था उसे लगा था हया ने अपने गरीब शोहर को नहीं छोड़ा उसका कार वाले उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है उसको अब्दुलरमान या उसकी जावैशमत से भी कोई सरोकार नहीं है वो वाकई जहान के साथ रहना चाहती है सो बस ये ड्रामा ख़त्म रात आने से बाद फिर उसे शे की तस्दीक करने के बाद उसने हाशिम को कहा कि वो मजीद उस लड़की का पीछा नहीं करेगा मामला ख़त्म हो चुका है मज़... बहुत आजमा लिया उसने इससे ज़्यादा आजमाएगा तो उसका गुनाहगार हो जाएगा हाशिम फ़ोन पे अपनी बेटी की बीमारी का जिक्र कर रहा था मगर उसने कोई दिलचस्पी नहीं ली होटल ग्रैंड का पैसा उसका ज़ाती पैसा नहीं था साथ ही तो उसके पास कुछ नहीं था और हाशिम सदा का जवारी अपनी सारी जमा पूंजी तो वो जूहे पे लुटा आता था फिर वो क्यों उसकी मदद करे अपनी तियाँ उसने बात ख़त्म कर दी तभी आयशे का मैसेज आया मैंने आने से पूछा था वो कह रही हैं कि तुम सुबह की फ्लाइट से इंडिया चले गए थे वैसे इतने सारे लोगों से एक वक्त में इतने सारे झूठ बोलते हुए तुम्हें कभी अफसोस नहीं होता नहीं उसने से जवाब देकर ए आर पी वाली सिम बंद कर दी ये आयशे बिना किसी दिन मरवाएगी उसे अगले ही रोज़ उसने हाशिम को अदालत भेजा वो उस वक्त तक उस दुकान पे खड़ा रहा जब तक कि आयशे नहीं आएगी आयशे के आते ही हाशिम उससे मिला और उसने छः चौकटों वाले पजल बॉक्स का ऑर्डर लिखवा दिया और चौकटे भी वो जिन पे तुर्क के बजाय अंग्रेज़ी हरूफे तहजी हों साथ में उसने अब्द्रैमान को बताने से सख्ती से मना भी किया वजह साफ थी उसे वो पजल बॉक्स सयाह को देना था जैसे वो अपनी मालूम और क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स एक एजेंट से दूसरे को मुंतकिल करते थे कि कहीं कि किसी लॉकर में कुछ छोड़ दिया या ट्रेशन कैन में और बाद में किसी दूसरे एजेंट ने आकर उसे उठा लिया ताकि किसी एजेंट को मालूम ना हो सके कि उसका दूसरा साथी कौन है और पकड़े जाने की सूरत में वो अपने साथी के लिए कोई ख़तरा ना बने उसने भी अपनी असलियत बताने के लिए किसी ऐसे ही हंट का सोचा था ख़ुद आमने सामने वो कभी नहीं बताएगा उसकी बीवी को उसको समझ उससे खुद ढूँढना चाहिए नहीं वो उसे आज़मा नहीं रहा था वो तो बस अपने अंदाज में बात पहुंचा रहा था हाँ मगर जब वो पजल बॉक्स उस तक पहुंचेगा और बिलफर्ज़ किसी तरह उसने अदालत तक इस बॉक्स के बनाने वालों को ट्रेस कर लिया तो वहाँ से वो महज इतना जान पाएगी कि ये काम अब्दुलरहान के अलावा किसी का भी हो सकता है बस अब्दुलरमान उसमें मुलव नहीं है हया उसको तलाश करे ये वो चाहता था मगर वो उसकी जासूसी करे ये वो हर किस नहीं चाहता था अगले चंद रोज़ खैरियत से गुजर के वो डीएक्टिवेट होकर बस अपने रेस्टोरेंट और घर तक महदूद हो गया था इन्हीं दिनों उसे उस लड़की का ख्याल बार बार आता रहा जो उसने सबानजी में देखी थी वो उसको पहले भी देख चुका था उसे याद था कि पिछले साल सबानजी के कुछ स्टूडेंट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत होटल ग्रैंड आए थे और चंद हफ्ते उन्होंने वहाँ काम किया था उसने कंप्यूटर में सारा डेटा खोला और एक एक इंटरनी को चेक करते हुए बिलाखिर वो उसे मिल ही गई हाले नो चोलक लो रोमी फॉर्म की एक कारकन, उसका फेडर रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा था वो उसकी एम्प्लाई थी और अपने हर एम्प्लाई का सारा बायोडाटा वो अपने पास रखता था अपने हर मुलाजिम को वो पहचानता था मगर उसके हर मुलाजिम ने उसे नहीं देख रखा था वो होटल मालकान की तरह प्राइवेट लिफ्ट इस्तेमाल करता था और निचले दर्जे के अहदों पर काम करने वाले मुलाजमों की उससे कोई मुलाकात ना थी और इंटरनेट से कहाँ उसका राबता हो पाता था फिर भी शायद यूं ही आधे जाते उस लड़की ने उसे देख रखा हो वो उसी डोम ब्लॉक से निकल रही थी जो हया का था हो सकता है वो वहाँ किसी काम से आई हो और उसका अपना ब्लॉक कोई दूसरा हो और उसका हया से कोई रबता ना हो और उसने कभी होटल ग्रैंड के ओनर को ना देख रखा हो फिर भी आइंदा सबाजी जाते हुए एहतियात करेगा वरना दुनिया वाकई बहुत छोटी थी चंद दिन बाद एक सुबह जब वो बर्गर किंग के किचन में काम कर रहा था तो एकदम से उसके सर में बहुत शदीद दर्द उठने लगा ये दर्द उसे बहुत चिड़चिड़ा भी बना देता था सारा मूड ख़राब हो जाता अब भी यही हुआ वो तरखी भरे अंदाज में ज़ोर से खटखट करता गोश्त काट रहा था पिछले एक हफ्ते से कब्ज़ माफिया के कुछ लोग उसको तंग भी कर रहे थे रेस्टोरेंट की लेस का मामला था और पाशा बे के साथ उनकी कोई तरक्ह हो चुकी थी ऐसे में उसे अपने रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना था मगर इससे कबल वो कोई ठोस वाक़ा ऐसा चाहता था कि उससे उसका केस आसान हो जाए इरादा था कि आज से पहर में कुछ अपने आदमियों से रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ करवा कर, कर सिक्योरिटी क्लेम और इंश्योरेंस क्लेम दोनों हासिल कर लेंगे ऐसे वक्त में उसे मौका से हट जाना चाहिए और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि हया और डीजे आ गई वो टॉप कपी जाना चाहती थी थोड़ी सी पसोपेश पेश के बाद वो उनके साथ चल पड़ा सर का दर्द बुखार में तब्दील होता गया मगर वो उनके साथ देता रहा फिर डीजे को भी सर दर्द की शिकायत होने लगी वो वापस जाना चाहती थी उसके जाने के बाद वो दोनों टॉप कपी के अकबी बरामदे में आ बैठे हया ने कहा भी कि वो वापस चला जाए मगर अभी रेस्टोरेंट पे स्टेज असॉल्ट नहीं होना था होना था अभी वो कैसे वापस जा सकता था अलबत सर दर्द के बायस वो हया की शाल तान कर लेट गया उसको नींद वैसे भी मुश्किल से आती थी फिर अभी एक पब्लिक प्लेस पर वो कैसे सो सकता था बस यूं ही लेटा रहा तभी उसने महसूस किया कि उससे एक सीने नीचे बैठी हया ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा है शायद ये जानने के लिए वो सो है या नहीं वो ज़रा सा खटक गया उसने आंखों से बाजू ज़रा तिरछा करके देखा हया की जहान की तरफ़ पूछ वो मोबाइल पे किसी को मैसेज कर रही थी जहान ने ज़रा सी गर्दन उठा कर देखा तो स्क्रीन पे ऊपर इंडिया का नंबर नज़र आ रहा था उसी का नंबर वो पैगाम तो नहीं देख सका मगर ये वही नंबर था जिससे चंद रोज़ कबल उसने हया को मैसेज किया था ए तो उसका पीछा छोड़ चुका था फिर वो इससे क्यों रब्ता कर रही थी उसे कुछ अजीब सा लगा पूरा नहीं लगा मगर अच्छा भी नहीं लगा चंद ने ठहर कर उसने बाएं हाथ से जींस की जेब से मोबाइल निकाला है या उसके दाएँ जानब एक सीने से नीचे बैठी थी सो देख नहीं सकती थी उसने इस तरह लेटे लेटे इंडियन सिम ऑन की फिर जरा सा चेहरा मोड़ कर एक्सचेंज स्टूडेंट का नंबर डायल किया वो जानता था वो उसके सामने बात नहीं करेगी और वाकई वो कालाते उठ कर मुंडेर तक चलेगी वहीं गर्दन से ऊपर तक लिए आंखों पे बाजू रखे वो हैंड्स फ्री से उससे कुछ देर बात करता रहा हया अगर इस सारा वक्त में उसे देख रही होती तब भी ना जान पाती कि उसके लब हिल रहे हैं वो उसने फ़ोन क्यों किया वो चाहती थी कि अब्दुलरहान उसके कज़न की मदद करे उसकी बात सुनकर जहान भी अख्तियार हंस पड़ा मदद का वादा करके उसने फ़ोन बंद कर दिया हया वापस आकर बैठ गई कुछ मुस्तरब सी थी खैर प्लान के मुताबिक उसे रेस्टोरेंट से कॉल आने लगी उन्हें जाना पड़ा जब वो वापस रेस्टोरेंट पहुंचे तो तोड़ फोड़ उसे हुआ हया उसे पाशा की हरकत समझ रही थी उसके चेहरे कुछ ऐसे ही थे चलो ये भी ठीक था उसे सबक मिल गया होगा कि अपने मसाइल हल करवाने के लिए दूसरा का रुख कभी नहीं करते वो दोबारा फिर सबांजी नहीं गया बाहर के दिन शुरू हुए और सारा इस्तौल महकने लगा ऐसे ही एक दिन वो घर पहुंचा तो हया आई हुई थी मगर अकेली नहीं थी उसके हमरा तीन लड़कियां थी और इन तीन लड़कियों में हाले नूर को देख कर उसका लम्हे भर को सांस ही रुक गया हाले ने उसके सलाम का जवाब देकर बगौर उसको देखा था वो बिना मजीद कुछ कहे किचन में चला आया ये लड़की जिसका ताल्लुक होटल ग्रैंड से रह चुका था इसको इस घर में मज़ीद देर नहीं ठहरना चाहिए था अब उनको कैसे निकालें यहाँ से बड़ी मुसीबत से बेहतर छोटी मुसीबत होती है उसने छोटी मुसीबत ले ली उसने तुर्क में वो तकलीफ अल्फाज जब कहे तो मम्मी तो शॉक रह ही गई मगर वो लड़की भी चौंक गई लाउन तक कुछ किचन की सारी बातें सुनाई दे रही थी पाँच मिनट भी नहीं गुजरे और वो चारों वहाँ से चली गई ये क्या बदतमीजी बदतमीजी थी जहान मम्मी अभी तक शर्दर थी वो स्का वाली लड़की मुझे किसी और हवाले से जानती है मेरी बीवी की वजह से मेरे कवर को नुकसान पहुंचा तो मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा मम्मी ओह वो खामोश हो गई मगर वो खुश नहीं थी उसने सोचा था वो फिर हया से मासरत कर लेगा जैसा कि हमेशा होता है मगर मौका मिलने से कबल ही वो अनकरा चला गया वहाँ कुछ काम था और जिस दिन वो वापस आ रहा था उसे एयरपोर्ट पे हया का मैसेज मिला डीजे टॉक्सम फर्स्ट एड में एडमिट थी उसे ब्रेन हेमरेज हुआ था वहीं एयरपोर्ट से उसने टॉक्सम फर्स्ट एड में एक जानने वाले को फ़ोन किया डीजे का बेरी इनोजम फटा था उसने जल्दी से हिसाब लगाया इस सब का मतलब था कि उसके पास सिर्फ चंद घंटे थे उसे याद आया कि वो टॉप कपी में सर दर्द की शिकायत कर रही थी वो पुराना चेहरे चेहर वाले एयरपोर्ट सबिया गोचन हवालानी से आया था सो यूरोपी इस्तोल पहुंचते ही वो सीधा टॉक्सम आया और वहाँ से हया के पास उसके हिसाब करदा घंटे ख़त्म होने को थे किसी भी वक्त वो डीजे की मौत की खबर दे देंगे फिर बॉडी क्लियरेंस करवाने में वक्त लगेगा बॉडी पाकिस्तान जाएगी ज़ाहिर है हया भी साथ ही जाएगी यानी दो तीन दिन तो कहीं नहीं गए और मौत की खबर मिलने के बाद वो कुछ नहीं खाएगी हकीकत पसंदी से तजिया करते हुए उसको सिर्फ हया की फिक्र थी वो जल्दी से कैंटीन गया और उसके लिए जूस और सैंडविच लाया इसी असना में डॉक्टर बाहर आ गया और ख़बर भी बाहर आ गई फिर भी उसने ये ख़बर हया को तब दी जब वो थोड़ा बहुत सैंडविच खा चुकी थी और काश वो वो आखिरी बंदा होता जिस जो इसको ये ख़बर देता वो दो तीन दिन बहुत तकलीफ देते उसे डीजे की मौत का बहुत अफसोस था लेकिन अपनी जॉब के दौरान इतने लोगों को अपने सामने मरते देखा था कि डॉक्टर्स की तरह वो भी ज़रा परेशान नहीं होता था मगर हया कर रोते देख उसे तकलीफ़ हो रही थी वो जो समझता था कि जेल के इन तारीख दिनों ने उसके अंदर से सारी हसासीत को निगल लिया है तो शायद वो गलत था उसे तकलीफ़ हो रही थी बहुत ज़्यादा डी की मौत से भी ज़्यादा बॉडी क्लियरेंस मिलने से कबल वो हया के हमरा सभा गया था हाल नूर में स्टूडेंट की अक्सर स्प्रिंग ब्रेक पे जा चुकी थी डीजे की चीज़ें उसने हया के साथ ही पैक करवाई थी उसके रजिस्टर रजिस्टर्स इकट्ठे करते हुए वो भीगी आवाज़ में कह रही थी कि डीजे अपने नोट से रजिस्टर फ़ोटो कापियर भूल जाती थी इसलिए वो फोटो तक गया ताकि उसका अगर कुछ रह गया है तो वो भी उठा लें मगर जब वहाँ रखे डीजे के रजिस्टर पहला सफ़ा उसने पलटा पलटाया तो उस पर बड़ा बड़ा करके यूनानी फलसफी हराकलीस का एक कॉल लिखा था इन टू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटर ट्विस्ट हेयर क्रटिस वो कुछ तेज सोचता रहा फिर रजिस्टर वहीं छोड़ कर वापस आ गया या उस वक्त जहनी तौर पर इतनी डिस्टर्ब थी कि उसको कुछ पूछने का होश नहीं था बाद में वो वापस आकर ये रजिस्टर लेगी तो इस कोर को ज़रूर पढ़ेगी, वो उसे अपने पजल बॉक्स के ऊपर पहेली के तौर पर लिख सकता था डी जे फ़लसफे की तलबा थी तो शायद हया भी इस फलसफी के पसे मंजर से वाकिफ हो शायद मम्मी के मजबूर करने पर वो अपने कंट्रोलर से इजाज़त लेकर हया कि हमरा पाकिस्तान आ गया यही मौका जिससे वो भागता था बिलाख़िर सामने आ ही गया था मगर सिर्फ़ हया के लिए उसने ये कर लिया अपने मामों के सामने आज भी वो खुद को कमज़ोर महसूस करता था उनकी बातें सुनना उनके तेवर बर्दाश्त करना वो कुछ भी तो नहीं भूला था लेकिन अब उसके जवाब कोई चारा भी तो नहीं था हया तो सीधी अपनी अम्मी के साथ डीजे की तरफ गई वो सनेमान मामू से मिला और कुछ देर हया वग़ैरह के लाउंज में उनके साथ बैठा रहा मामू ज़रा रूखाई से मिले थे सर्द अंदाज ठीक है वो भी तो इसी तरह मिला था जबीन ठीक है उसको भी ले आते अब्बा की वजह से नहीं आ सकती थी वो अच्छा और ख़ामोशी बस इसी तरह की चंद बातें करके मुलाजमा ने उसे उसका कमरा दिखाया वो नीचे वाला एक कमरा था उसने पूछा कि अगर उससे कोई ऊपर वाला कमरा मिल जाए तो मुलाजमा ने फ़ौर उसका सामान ऊपर वाले गेस्ट रूम में रख दिया वो किसी के भी घर रहता हमेशा ऊपर वाली मंजिल में ठहरता ऊपर से नीचे पूरे घर का जायज़ा लेना आसान होता था आपका पैनोरामा वसी रहता है फरार का रास्ता भी मिल जाता है आसपास के घरों पे नज़र रखना भी सहल था दोपहर में वो सो नहीं सका बस टेरेस से इधर उधर देखता रहा मस्जिद की तरह कानूनी से निकलने के रास्ते सेक्टर के मरकज़ की सिम दोपहर में है और उसकी अम्मी वापस आ गई। उसने खिड़की से देखा था हेया बीमार लग रही थी मगर वो इस तरह जाकर पूछ भी नहीं सकता था शाम में ज़रा देर को आंख लगी ही थी कह कि, कि अम्मी फ़ातमा उमानी ने दरवाज़ा खटखटाया फुरकान मामू वगैरह आए थे नीचे मैं आ रहा हूँ बस फ्रेश होकर ओके अच्छा वो रुकें नूर बानो बता रही थी कि आपको नीचे वाला कमरा पसंद नहीं आया ये ठीक है जी उसने तरदीद किए बग़ैर बस इस बात में सर हिलाया वो तो ऐसा ही था मगर फातमा उमानी को शायद कुछ अचंबा सा हुआ था मगर बोलें कुछ नहीं कुछ देर बाद वह कमरे से बिना चाप के निकला तो अभी सीढ़ियों के गोल चक्कर के ऊपर ही था जब लौन्च से मल्हा किचन की आधी खुली दीवार के पार पात्मा ममानी हया से बात करती नज़र आईं उसने दानस्ता तौर पर रुककर सुना ये सबीन का बेटा ज़रा प्राउड नहीं है चलो जी पहले इसका बाप मगरूर था अब वो मगरूर हो गया जो अपनी मर्जी से रहना चाहे वो मगरूर हो गया वो तो मगरूर नहीं था उसे तो किसी चीज़ का गरूर नहीं था पता नहीं क्यों वो उसके बारे में ऐसे अंदाज़े कायम कर रहे थे नहीं वो शुरू शुरू में ऐसा ही रहता है हया कह रही थी और बाद में बाद में भी ऐसा ही रहता है इस शुरू और बाद के दरमियान कभी कभी नॉर्मल हो जाता है सीढ़ियों के वस्त में दीवार पे एक लंबा सा आईना आवेज़ा था जिसमें उसे वो दोनों नज़र आ रही थी और ये अल्फाज कहते हुए हया का चेहरा सपाट था उसे बुरा लगा मगर पता नहीं क्यों अब वो उसको मार्जन देने लग गया था ऐसे है तो ऐसे ही से। लॉन में और साइमा मामानी आई हुई थी जब वो चलता हुआ लॉन के दहाने तक आया तो वो लोग उठ खड़े हुए थे तुम्हें क्या लगता है तुम यह इज्जत से जीत सकोगे कभी नहीं तुम जलील हो तुम खवार हो वो आवाज़ें आज भी उसके साथ थीं वो लोग बहुत इज्जत से अब उससे मिल रहे थे सलाम दुआ मम्मी का हाल गिले शिकवे तुम्हारा बाप तुम्हारे नाम पे एक शर्मनाक धब्बा है तुम कभी सर उठाकर जी नहीं सकोगे तुम्हारे बाप का नाम तुम्हारे तुम्हारा सर हमेशा शर्म से झुकता रहेगा वो उनके सामने कुर्सी पे बैठा था फातिमा ममानी उससे चाय का पूछ रही थी उसने वही कहा जो एक तुर्क लड़के को कहना चाहिए था ए पलटी तुम कुत्तों की सी जिंदगी गुजारोगे कभी इज्जत और वक़ार से अपने मुल्क का रुख नहीं कर सकोगे वो अब उससे उसके जॉब और दूसरी मसरूफियात के बारे में पूछ रहे थे वो छोटे छोटे जवाब देता रहा हया इस सारे वक्त लाताल से बैठी रही बस एक दो दफ़ा बोली मगर वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी ये अलग बात थी कि अपने तीन जहान उसे नज़रअंदाज नहीं कर रहा था वो तो हमेशा से ही इतना ही खामोश और रिजर्ब सा था अलबत् अपने मामों के लिए उसके दिल में नरम गोशा नहीं था हाँ नहीं था वो बहुत अला ज़रफ़ जिन बातों से करसा उसको और मम्मी को डिस्टर्ब रखा उनके कहने वाले तो बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी में मगन थे किसी को वो कोई गर्ज नहीं थी कि सबीन सिकंदर और जहान सिकंदर का क्या बना है क्योंकि उनके नामों के साथ सिकंदर लगता था वो पहली मुलाकात भी उनसे कोई ख़ास बात ना कर सका इससे हुई ही नहीं कुछ जख्म भरने में बहुत वक्त लगता है और उसका वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था चूंकि वो तुर्क शहरी के तौर पे आया था इसलिए उसकी हरकत सकनात अपने कवर के मुताबिक थी पहले वो अंग्रेजी में बात करना हो खास पे जूतों समेत ना चलना हो या बिना जूतों के घर में दाखिल होना वो वही बना रहा जो वो लोग समझते थे उठने से कबल फुरकान मामू अपने घर आने की दावत देकर गए थे तुमने मेरी बात ना मानी अब जब मदद चाहिए हो तो मेरी तरफ मत आना वो आवाज़ें पीछा नहीं छोड़ती थी मामू ने उनके जाते कतियत से कह दिया था कि अब हया वापस नहीं जाएगी उसने कोई जाहिर नहीं किया अलबत् वो जान गया था कि वो वापस जाना चाहती है हाँ वापस तो उसे जाना ही था वो करेगा इस बारे में भी कुछ इस पहली मुलाकात से उसने ये अखज़ किया कि फुर्कान मामू की बातें और तंजिया अंदाज उसकी तो मुताबिक ही था अलबतः सलेमान मामू यू तंज नहीं करते थे बस उखड़े उखड़े से रहते थे वजह शायद उनका गुजशत दफ़ा इस्तोल का दौरा था जब वो अदालार में होने के बायस उनके लिए जहांगीर नहीं आ सका था और जब आया तो थोड़ी देर ही बैठ सका ये वो वक्त था जब उसके दिल के अंदर उनके लिए मौजूद शिकवे ख़त्म नहीं हुए थे और अपने उखड़ रवैये के बायस सलीमान मामू भी बदजन हो चुके थे वो जानता था और उनका रवैया अब भी वैसा ही था हया के साथ पाकिस्तान आने यानी उनकी बेटी का इतना ख्याल रखने पर भी वो उससे राज़ी न थे फुरकान मामू की उसे कोई परवाह नहीं थी मगर सनेमान मामू पता नहीं क्यों वो उनकी परवाह करने लग गया था शायद इसलिए कि पाकिस्तान आकर उस पर एक इनकशाफ बहुत शिदत से हुआ था कि वो जो हमेशा मेरे दोनों मामू और मेरे मामुओं ने जैसे सीखों पे सोचता था तो वो गलत था वो जमाने के जब दोनों मामू एक फरीक थे अब वो दो फरीक थे सलेमान मामू तो बड़े भाई की बहुत इज्जत करते थे मगर डिनर पे फुरकान मामू और साइमा मामी की गुफ्तु से ही ये बात वाजे थी कि अगर वो हया से रिश्ता तोड़ेगा तो वो ना नाखुश नहीं होंगे क्योंकि उनके और सलेमान मामू के दरमियान अब वो पहले वाला एक्का ना था इतने बरस एक साथ रहने के बाय सोने वाली छोटी मोटी तलखियों ने उनके आपस के रिश्ते में भी बहुत सी धड़ाड़ें डाली थीं हाँ बज़ाहिर सब ठीक था सुलेमान मामू की तरफ से भी सब ठीक था अलबतः फुरान मामू और सैमा मोमानी हया की ज़िंदगी में आने वाली हर तकलीफ़ भी उसके साथ नहीं होंगे वो जान गया था वो बैठ कर तमाशा देखने वालों में से थे ये बात काश उसे पहले पता चल जाती मगर कैसे चलती वो और मम्मी तो अभी तक कई साल पीछे खड़े थे और अब अगर वो फुर्कान मामू के इस बरसों पुराने रवैये की वजह से सलेमान मामू से ताल्लुक़ ख़राब करता है तो ये नासाफ़ी थी अब जबकि ये फैसला हो गया था कि वो ये शादी कायम रखना चाहता है तो फिर उससे अपना रवैया भी ठीक करना होगा जितने दिन वो यहाँ है वो उसकी पूरी कोशिश करेगा उसने जो ख़ुद से सेहद किया था अगले रोज़ जाहिद मामू की बेटी की मेहंदी थी वो वैसे ही रश से भागता था मगर यहाँ उसके सिवा कोई चारा ना था कि वो भी फंक्शन अटेंड करे इस पे मुस्तजाद फातिमा मोमा उसके लिए कुछ करते वग, कुर्ते वगैरह ले आई थी पैसे अलबतः उन्होंने उसके बहुत इसरार पे भी नहीं लिखे अब उसको वो पहनना ही था सुबह हया कमरे से बाहर नहीं आई थी वो काफ़ी देर उसका इंतज़ार करता रहा कहना कुछ भी नहीं था बस उसे देखना था मगर वो शायद सो रही थी सुबह आखिर उसने वहीं ऊपर वाले कमरे से उसे कॉल की वो उसे उस पजल बॉक्स के बारे में बताना चाहता था मगर मजाल है जो वो लड़की किसी की बात पूरी सुने उसने हंसब मामूल उसको लानत मनामत करके फ़ोन बंद कर दिया अब क्या करें खैर पजल बॉक्स उस तक वो पहुंचा ही देगा किसी न किसी तरह हमाद ने तो सुनने से ही इनकार कर दिया माफ़ करना मगर मैं उनकी खुश अखलाक़ी सह नहीं पाऊँगा मुझे माफ़ रखो भाई मगर वो जानता था कि जब भी वो इसरार करेगा तो हमाद को माननी ही पड़ेगी और यही हुआ वो मान गया बस ये आखिरी दफ़ा है और फिर नहीं शाम में वो फिर से हया को ढूंढ रहा था दोनों की कोई ख़ास बात नहीं हो चुकी थी पाकिस्तान आकर अब उसके पास यही बहाना था कि वो उससे फ्लाइट का पूछ लेगा ग्रेट वो उससे यही पूछने फुरकान मामू के घर आया था और इससे इस वक्त वो सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी बहुत सी लड़कियाँ अच्छे कपड़े पहनती थी पहनती हैं मगर उसकी चाल की बेनियाजी किसी मलका की तरह सहज उतरना वो वाकई बहुत खूबसूरत थी मगर हाँ यही मगर हर दफ़ा आ जाता था जिस वक्त वो सीढ़ियाँ उतर रही थी वहाँ आसपास कितने ही कज़न घूम रहे थे सब उसको गाहे बगाहे देख रहे थे और यहीं आकर उसकी पेशानी पे बल पड़ जाया करते थे वो उससे कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहता था मगर उस वक्त जब वो बात करते हुए उसके साथ आ खड़ी हुई तो जाहिद मामू की छोटी बेटी सना उनकी तस्वीर खींचने लगी वो जानता था कि ये लड़की फ़ौरन से ये तस्वीर फेसबुक पे लगा देगी और ऐसी बद एहतियाती वो अफोर्ड नहीं कर सकता था सो सना को ज़रा सा डांट दिया अब वो दोबारा उसकी तस्वीर खींचे खींचने का, का सोचेगी भी नहीं और हसब मामूल उसकी किसी और मकसद के लिए किए जाने वाले अमल से आखिर में हर्ट है हुई थी मेहंदी के फंक्शन में वो फुर्कान मामू के साथ बैठा रहा था वो एक दफ़ा फिर वही पुराने किस्से लेकर बैठ गए थे किस तरह उन्होंने सबीन की मदद करनी चाहिए मगर किस तरह सबीन ने मदद नहीं ली वो खामोशी से सर हिलाता रहा कोई एतराज़ नहीं कोई इख्तलाफ नहीं कमांडो ट्रेनिंग के दौरान एक मरहला ऐसा हुआ करता था जिस पर लड़के जब हार देते दे थे वो तब हारते जब ट्रेनर उनके मुंह पे थूकता उसके एक दोस्त ने ऐसे मौके पे अपने ट्रेनर को तमाचा दे मारा था सो उसी वक्त उसे बता दिया गया कि वो कमांडो नहीं बन सकता जहान के मुंह पे भी ऑफिसर ने थूका था वो खामोशी से खड़ा रहा एक दफ़ा दो दफ़ा कई दफ़ा थूका गया गालियाँ दी गई मगर उसने सब्र न हारा और वो पास हो गया अब भी उसने ख़ुद को ऐसे ही पास कर दिया था फंक्शन के दौरान बदमजगी उस वक्त फैली जब एकदम से लाइट चली गई उसके मामों के घर में लाइट का मसला कभी ना होता अगर जनरेटर जवाब ना दे देता एकदम से धक्म पेल मच गई मैकेनिक का इंतज़ार शोर अफरा तफरी कोई ख़ुद हाथ पैर हिलाने के लिए तैयार नहीं था बस मैकेनिक आएगा तो ठीक कर लेगा वो कुछ देर बैठा रहा फिर उसे खौफ धोने लगी ये लोग दूसरों पे इतने इनसार क्यों करते हैं अपने मसले ख़ुद क्यों नहीं हल करते वो उठा और चुपचाप जनरेटर का मुआयना करने लगा जरा सा मसला था और तूफ़ान ऐसे मचा दिया था सब ने पाँच मिनट भी नहीं लगे उसे सब ठीक करने में और तब तक, तक वो पूरे मजमे की तवज्जो पा चुका था ये चीज़ ज़्यादा कोफ दिलाने वाली थी वो हाथ धोने के बहाने जल्द ही अंदर चला गया अलबतः वो जानता था कि सारा वक्त हया बहुत मसरूर अंदाज में उसे देखती रही थी वो जैसे उस पर फख्र कर रही थी बाद में सब मर्द लाउंज में बैठ के तो वो भी वहीं बैठा रहा लाशोरी तौर पर वो हया का मंतज़िर था कब वो आएगी और वो उसे देख सके बहुत देर बाद वो नजर आई साथ में जाहिद मामों की छोटी बेटी भी थी दोनों किचन में जा रही थी उसे भी हया को देख लेने की ठीक से खुशी भी नहीं हुई थी कि उसने महसूस किया जब वो चलती हुई जा रही थी तो सब कज़न्स उसे ही देख रहे थे यहाँ तक के दावर भी उसे गुस्सा चढ़ा इतना शदीद के हद नहीं मगर वो क्या कर सकता था वो तो अपनी माँ तक पे कुछ इम्पोज़ नहीं कर सका था कभी अपनी बीवी पे क्या करता फिर एकदम से कहीं से जाहिद मामू की बेटी जिसकी शादी थी तनफन करती आई और दाविर के ऊंचा बोलने के सबब उसको सुनाकर वापस हो ली वो वाकई शॉक रह गया और कुछ पिछड़ा गुस्सा भी था वो एकदम से खड़ा हो गया बाकी सब भी उसके पीछे बाहर आए थे किसी ने इस लड़की को नहीं टोका किसी ने उसे नहीं डांटा किसी ने उसे वो बातें नहीं सुनाई जो उन्होंने कई बरस पहले उसकी माँ को सुनाई थी तब भी फुर्कान मामू लोग उनके लाउंज में थे तब भी वो यूँ ही उठे थे और बाहर निकल गए थे मगर अब निकलने से कबल किसी ने कुछ नहीं कहा था क्या फ़र्क था दोनों वाक़ात में मम्मी ने उनकी बेइज्जती नहीं की थी वो गवाह था महवेश ने दावर की बल्कि सब की बेइज्जती की वो उसका भी गवाह था फिर क्यों महवेश को एक लफ्फ भी नहीं कहा गया क्योंकि वो सर रसूख वाले बाप की बेटी थी क्योंकि उसका बाप सामने बैठा था क्योंकि उसका होने वाला शोहर बहुत अमीर कबीर था और मम्मी के पास उनमें से कुछ भी नहीं था उस वक्त और हाँ यह उसका होने वाला शोहर चलो वो भी देखेगा कितना अरसा उसके अमीर होने का ढकोसला चलता है जिस तरह इस लड़के का बड़ा भाई बार बार अपनी दौलत की वजह बता रहा था साफ जाहिर था कि वो एकदम से आई हुई ब्लैक मनी की सफाई दे रहे हैं गधे। मैविश की बदतमीजी के बाद जब सब बिना खाना खाए वहाँ से उठाए तो उसके जहन में सिर्फ यही था कि सलेमान मामू ने खाना नहीं खाया हया ने बाहर खा लिया था मगर मामू वो उनकी इतनी परवाह क्यों कर रहा था पता नहीं मगर जो भी हो मामू मामू थे सोहेया के साथ मिलकर उस रात उसने सिर्फ़ सलेमान मामू के लिए पास्ता बनाया था और यूँ इन दोनों के दरमियान सर्द मोरी की दीवार भी उससे पिघल गई थी मामू हैरान थे मगर ज़्यादा जाहिर नहीं किया वो उससे खफा रहते थे वो जानता था मगर अब शायद हालात बदल जाएँ अगले रोज़ हमाद की बहुत मिन्नत करके उसने वो बॉक्स हया तक पहुँचा ही दिया उसके अंदर जवाहर के एक लॉकर की बार कोड स्लिप और अंदरूनी तजोरी की चाबी थी लॉकर अभी खाली था मगर वो वापस जाते ही कुछ रिकॉर्ड करके उसमें रख देगा उसने सब कुछ सोच रखा था बस उसके लिए उसे हया को वापस ले जाना होगा लाजमन इन चंद दिनों में उसके बाकी रिश्तेदारों ने भी ताल्लुक बेहतर होते गए महवेश की छोटी बहन से लेकर सलेमान मामू तक अब कोई उससे नाराज़ ना था जब वो बाद में अपनी जॉब के मुतालिक बताएगा तो उनका क्या रंधे माहौल होगा वो सोचना नहीं चाहता था अब बात की बात में देखी जाएगी अभी तो इसे सब सेट रखना था उस रात हया ने फसल बॉक्स उससे ही ला थमा दिया पहले तो वो वाकई गड़बड़ा गया कि वो जान चुकी है और अब उसका हिसाब लेने आई थी मगर नहीं वो सिर्फ बॉक्स खोलने में मदद चाह रही थी पागल लड़की ये राजदारी से रखने वाली चीज़ थी वो क्या अब हर किसी से यूँ ही मदद मांगी कि इसका इलाज करना ज़रूरी था सो उसने फ़ौरन छुरा और हथौड़ा मांगा हया ने घबरा कर बॉक्स वापस ले लिया चलो इसको इसकी तोड़ कर ना खोलने वाली ख्वाहिश का इतना एहतराम तो था ही अब उसके लॉकर से वीडियो निकालने के लिए ज़रूरी था कि वो वापस इस्तेमाल जाए एक वक्त था जब वो उसे रोकना चाहता था मगर आज वो खुद सुमान मामू के पास गया ताकि उनको समझा सके वो कमरे में अकेले थे वो सामने कुर्सी पर बैठ गया छोटी छोटी बातों से आगाज किया वो खामोशी से उसे सुनते रहे तुम और क्या करते हो रेस्टोरेंट के अलावा उन्होंने सादा से अंदाज में पूछा मगर वो जरा देर को ठटका वो कुछ जानते तो नहीं थे आर्मी के बारे में कुछ नहीं जान सकते थे वो मगर कहीं उसके अब्दर ईमान पाशा वाले कवर के बारे में तो कुछ नहीं जानते थे या शायद रोहेल ने अमेरिका वाली बात का जिक्र किया हो मगर नहीं वो उनकी तसल्ली करता गया पूरे अतम के साथ फिर उसने हया की बात की और जब यह कहा कि अगर वो वापस नहीं जाएगी तो कभी डीजे के दुख से नहीं संभल पाएगी तो सलेमान मामू ने बस उसके चेहरे को गौर से देखते हुए इजाज़त दे दी उन्हें उसका हया के लिए फिक्रमंद होना अच्छा लगा था सब ठीक जा रहा था वो दोनों वापस आए तो उसका इरादा था कि वो कुछ दिन उसे अपने घर रुकने का कहेगा आहिस्ता आहिस्ता वो इसका लॉकर ढूंढ लेगी और इससे पहले कि किसी दूसरे के मुंह से वो कुछ सुने वो वीडियो उसे मिल जाएगी फिर वो मिलकर कुछ फ़ैसला करेंगे कि आगे ज़िंदगी उन्हें कैसे गुजारनी है सब कुछ ठीक जा रहा था पाकिस्तान से वापसी पे उसके सर का दर्द बढ़ता ही गया था और इसके बायस उसे बुखार हो गया था पहले दिन तो हया चली कि उसने कहा था वो कल आएगी अभी वो सबान जी देखना चाहती थी टीजे की वजह से यकीनन जिस रात के लिए हया ने आने के लिए कहा था उस शाम से ही उसका सर दर्द नाकबले बर्दाश्त सूरत इख्तियार कर गया था ऐसा लगता था अभी सर फट जाएगा वो अपना काम खुद कर लेता था, था। मगर आज अरसे बाद उसने मम्मी से कहा कि वो उसे दूध गर्म करके ला दें और साथ में नींद की गोली भी मम्मी फ़ौरन दोनों चीज़ें ले आईं ज़रा परेशान भी हो गई उनको फिक्र ना करने का कहकर उसने दवा ली और फिर लेट किया है आएगी तो वो उठ जाएगा अभी थोड़ा सा सो ले नींद में जाते हुए भी उसके अंदर मतजाद सी जंग चिड़ी हुई थी कि वो अपना एम आर फिर से करवाए या इस दर्द को नज़रअंदाज करता रहे वो किसी बुरी खबर से डरता था उसका कैरियर उसकी मंजिल नकारा फौजी करार देकर रिटायरमेंट रात का जाने कौन सा पैर था जब उसकी आँख मुसलसल बजी घंटी से खुली उसने उठना चाहा तो सर बेहद वज़नी हो रहा था मुश्किल वो कोनी का सहारा लेकर सीधा हुआ और फोन देखा सफ़ीर उस्मान जब उसने फ़ोन कान से लगाया था तो उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था और जब उसने सफ़ीर की बात सुनी तो उसे जैसे ज़ोर का चक्कर आया था आबी भाई एक लड़के का फ़ोन आया है वो अपना नाम हया बता रही है और वो कह रही है कि उसको अगवा कर लिया गया है वो राष शायद उसकी ज़िंदगी की तवील तरीन रात थी इंडिया में रात की तहवील में गुजरी रातों से भी ज़्यादा तर्क ज़्यादा तकलीफ थी और ज़्यादा भयानक उसे लगा था वह हयाक खो चुका है सिर्फ इसलिए कि वो उसकी निगरानी नहीं कर सका वो उसकी हिफाजत नहीं कर सका वो लोग उसे अगवा कर चुके थे सिर्फ़ इसलिए कि उस रात अब्दुलरहमान पाशा सो गया था वो उसको ले गए थे वो क्या करे वो किधर जाए वो क्या करेगा वो बमुश्किल बिस्तर से उठा चेहरे पे पानी भी नहीं डाला बस जैकेट उठाई पिस्तौल जेब में रखा अपना ख़ास चाकू जराब के साथ बांधा और फोन हाथ में लिए बाहर भागा गाड़ी तक आते आते उसको चक्कर आ रहे थे बाहर सर्दी थी हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी और अंधेरा दुनिया जैसे ख़त्म होकर बर्फ़ का ढेर बन गई थी वो रात बर्फ़ जैसे रात थी सर्द और कहर हालोद सफ़ेद और ठंडी कार स्टार्ट करते हुए उसने सफीर को कॉल बैक किया कुछ बताया उसने वो किधर है बॉस फॉरेस्ट बर्ज कहा था मैं कॉल बैक कर रहा हूँ मगर कॉल नहीं जा रही उसका नंबर रोमिंग पे है और बैलेंस ख़त्म हो गया होगा मगर मसला ये था कि बॉस फॉरेस्ट बर्ज भी तो दो थे एक फर्स्ट बॉस फॉरेस्ट बर्ज जिसको उर्फ आम में बस फॉरस बर्ज कहा जाता था और दूसरा सेकेंड बस फॉरस बर्ज जिसका आम नाम सुल्तान अहमद बर्ज था ये पुल सुल्तान अहमद मस्जिद नीली मस्जिद की पुष्ट पे ही था चूँकि हया ने सफ़ीर को पाकिस्तानी मोबाइल से कॉल की थी इसलिए उसने सबसे पहले अपने ट्रेसर का स्टेटस चेक किया वो वाकई सुल्तान अहमद बर्ज के करीब में ही कहीं था दूसरा ट्रेसर जवाब नहीं दे रहा था वो समझ नहीं सका कि हया ने उसे कॉल क्यों नहीं की उसने उस्मान शबीर से मदद मांगी मगर उससे क्यों नहीं ना जहान से ना अब्दुलरहमान से क्यों उनसे क्यों नहीं लेकिन अभी ये सानवी बातें थी उसे जल्द अज जल्द हया को उन लोगों के शिकंजे से निकालना था वो जानता था कि वो कौन होंगे वो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे जो लड़कियों को अगवा करते थे और इस्तुल में उनके बहुत से ग्रोह काम कर रहे थे तुर्की इस शेय के लिए खासा बदनाम था रूस यूक्राइन और मालो मालदोदा की लड़कियां नौकरी के लालच में उधर लाई जाती और बेच दी जाती थीं फिर ज़बरदस्ती उनसे वाइट स्लीवरी कराई जाती यानी कॉल बना दिया जाता और उनसे पैसे वसूले जाते जितना वो समझ पाया था वो किसी शिप पे थी वो लोग उसे कहीं दूर ले जा रहे थे सुल्तान अहमद बर्ज पर पहुँच उस बात की तस्दीक भी गई एक शिप सामने ही थी उसका ट्रेसर भी वहीं का इशारा दे रहा था वो वहीं थी जहाँ पल पुल पे खड़ा था और वो चंद कोस दूर थी बर्फ की बर्फ की तरह ठंडी रात में वो उसके पास होते हुए भी बहुत दूर था सलेमान मामू से हया का ख्याल रखने का वादा भी नहीं निभा सका था वो बेबसी की इंतहा थी उसने फटते सर और तनाव का शिकार हिसाब के साथ सोचने की कोशिश किया अब वो क्या करे वो अकेला आदमी उनकी किसी शिप पे हमला तो नहीं कर सकता था उसे पुलिस की मदद चाहिए थी उसे फोर्स चाहिए थी ऐसे लोग जो उसके कहे से आके पीछे ना हटें, सांप में मरे और लाठी भी ना टूटे उसे सिर्फ हया को बचाना ही नहीं बल्कि मीडिया और तफ्तीशी अफसरान की नज़र से उसको दूर भी रखना था उस कहर आलोद यकबस्ता रात में वहीं खड़े खड़े उसने अपने तमाम कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल किए बेहद शदीद सरदर्द और बार बार धुंधली पड़ती बसारत के साथ वह के उस पार खड़ा था एक खौफ जो हर सवास के साथ था कहीं वो देर ना कर दे कहीं कुछ बुरा ना हो जाए बहुत अरसे बाद उसने ख़ुद को इतना बेबस और मुस्तरफ महसूस किया था वो अब्दुलरहमान पाशा था मगर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब्दुलरहमान पाशा एक बड़े नाम के सिवा कुछ नहीं था इस्तांबुल में ख़ुफिया पुलिस की एक ब्रांच जस्ट टीम कहलाती थी ये सादा कपड़ों में सड़कों पर पे पे पेट्रोल कर पेट्रोल करने वाले अहलकार थे बहुत काबिल थे और इनसे उसकी अच्छी शनासाई थी एक ऑफिसर के लिए उसने कई काम भी करके दिए थे सिर्फ इसलिए कि कल को वो उसके काम करके देगा और अब वो वक्त आ पहुंचा था जब उसे एहसान का बदला एहसान से चाहिए था ट्रस्ट टीम का वो यूनिट जल्द ही जगह पे पहुंच गया एक एक मिनट कीमती था उन्होंने इलाके को घेर कर बारी बारी खामोशी से शिप पे उतरना शुरू कर दिया चंद मंदे पकड़े चंद को गिराया किसी के सर पे पिस्तौल रख कर लड़कियों का पूछा और फिर आखिर उनको वहदारी मिली कि जहाँ एक कमरे में लड़कियाँ बंद थीं वो उस कमरे का दरवाज़ा खोल कर दाखिल होने वालों में सबसे आगे था अंदर एकदम रोशनी की गई अंधेरे में बेहोश नीम जान पड़ी लड़कियां बहुत बुरी हालत में थीं वो तेज़ी से आगे बढ़ा और हया को ढूंढना चाहा कई लड़कियों के चेहरे दाएं बाएं ढलके हुए थे उसने एक एक चेहरे को मोड़ मोड़ कर देखा हया कहीं भी नहीं थी ये कैसे हो सकता था ऑफिसर अपनी कार्रवाई कर का रहे थे वो कमरे से बाहर भागा एक ऑफिसर उसके पीछे आया था वो पूछ रहा था कि उसे उसकी लड़की मिली या नहीं वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं था बस उसने मोबाइल से ट्रेसर का स्टेटस चेक किया वो आस पास ही थी मगर किधर शिप के एक बंदे को एक एहलकार ने अपने नरगे में ले रखा था वो उनसे उनके बड़ों का पूछ रहे थे वो हलकाते हुए एक अंदर की सिम जाती रादारी का बताने लगा जहान ने पूरी बात नहीं सुनी वो उस तरफ भागा साथ ही उसने हया को कॉल मिलाई हया का फ़ोन रोमिंग पे था और कॉल नहीं जा सकती थी कि बैलेंस ख़त्म था मगर उसने सिस्टम हैक करके कॉल मिलाई और ये सब तब हुआ जब वो और साथी अफसर दौड़ते कदमों से इस में भागते जा रहे थे